अरे स्टार्ट हो गया। हेलो ओके जी, वेलकम बैक आफ्टर नमाज। छोटा सा हमने एक ब्रेक लिया था, उसके बाद वापस आई हूँ एक बहुत प्यारी सी रेंज लेकर। और सर्दियों में ये कलर हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है ना, तो ये हमारे पास मौजूद है ऑप्टिमल्स की रेंज। ठीक है, ऑप्टिमल्स की एज रिवाइव रेंज। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बात आती है कि हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस हैं, फ्रैकल्स हैं, और स्किन ड्राई भी है। और मतलब जब हमारी स्किन पे प्रॉब्लम्स का इशू बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हम थोड़ी सी हाई रेंज में जाना शुरू हो जाते हैं, लाइक ऑप्टिमल्स की एज रिवाइव रेंज। और इसके अंदर हमारे पास मौजूद है क्लिंजर, टोनर, डे क्रीम, नाइट क्रीम, आई क्रीम और सीरम। ठीक है, तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये क्योर करता है हमारी तमाम स्किन के प्रॉब्लम्स को, जिनकी एज क्रॉस कर गई है तकरीबन 35 को। 35 के बाद हम ये रेंज रेकमेंड कर रहे होते हैं। इम्प्रूव्स कर रहा होता है रिंकल्स को एंड फाइन लाइंस को, जो कि हमारे 30 क्रॉस करने के बाद, टू बी ऑनेस्ट, इस एरिया में हमें लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। ये हमारे छोटी छोटी से फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। स्मूथनेस हमारे स्किन की चली जाती है, हमारे स्किन का टेक्सचर, हमारा जो अपना होता है वो चला जाता है। बहुत ज़्यादा स्मूथनेस हमारी स्किन पे होती है, और वो कोलेजन की कमी होने की वजह से तमाम के तमाम चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो स्मूथनेस लेकर आता है, रेडियंस लेकर आता है, फर्मनेस, स्किन थोड़ी सी लटकी हुई हो जाती है, लूज़ पड़ जाती है हमारी स्किन। तो लूजनेस को कंट्रोल करने के, यानी कि उसको स्ट्रेच वापस करने के लिए, आप 35 के बाद ये वाली रेंज यूज़ कर सकते हैं। इलास्टिसिटी वापस लेकर आती है आपकी स्किन की, और जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं आपके स्किन पे, वो इसको क्योर कर रहा होता है, हाइड्रेशन को बहुत अच्छे से क्योर कर रहा होता है। तो ये थी हमारी ऑप्टिमल्स की एज रिवाइव रेंज। और इसकी जो सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट क्रीम है वो है इसकी नाइट क्रीम, और इसको लगाने के बाद स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, अमेजिंग, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, हमारे पास रॉयल वेलवेट की प्रोडक्ट मौजूद है, ये वाली ओरिफ्लेम में। ठीक है, अच्छा, रॉयल वेलवेट बहुत ज़्यादा क्रीमी और मिल्की स्मूदनिंग के लिए है। ये वेलवेट टच देता है बिल्कुल, और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्योर कर रहा होता है। अगर रॉयल वेलवेट की हम बात करते हैं, तो इसकी जो डे क्रीम है वो मोस्टली लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इसकी डे क्रीम के अंदर SPF 15 मौजूद है, तो आप इसको लगा के बाहर जा सकते हैं, किचन में काम कर सकते हैं। और ड्राइनेस को बहुत अच्छे से कवर कर रहा होता है, फर्मनेस स्किन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा आपकी स्किन पे इलास्टिसिटी वापस लेकर आता है रॉयल वेलवेट। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी सबसे ज़्यादा रॉयल रेंज, नोवेज। नोवेज का जो सेट है ये बहुत डिफरेंट है बाकी तमाम प्रोडक्ट्स से ओरिफ्लेम की। इसके अंदर हाई टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई हुई हैं, और मुझे थोड़ा सा ये कहीं से पेज इसका लास्ट वाला मिल जाए। ओके जी, ओके, अच्छा जी, अब हम सबसे पहले बात करते हैं ब्राइट सबलाइम रेंज की। ठीक है, ब्राइट सबलाइम सेट ये हम देते हैं आपकी एज 30। ओके, वेलकम बैक, आप सबको भी वेलकम बैक। ओके जी, ये रेंज हम दे रहे होते हैं अबाउट 20+ को, और 30 तक की एज को हम ये वाली रेंज दे रहे होते हैं, रेकमेंड कर रहे होते हैं। इसके बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ये बहुत क्विकली रिजल्ट देता है। और
जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डलनेस आ जाती है और डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस और ओपन पोर्स, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है ये। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है नोवेज इकोलेजन, ठीक है। नोवेज कोलेजन का मकसद नाम सुनते ही मकसद समझ में आ गया होगा कि हमारे कोलेजन लेवल जो कि डाउन पड़ जाता है तकरीबन हमारी एज 30 जब हमारी क्रॉस हो जाती है, तो हमारे स्किन की सेल्स के अंदर एक कोलेजन लेवल भी बनना ख़त्म हो जाता है। जैसे 30 के बाद ख़वातीन की कैल्शियम आना ख़त्म हो जाता है, वैसे ही कैल्शियम बनना हमारा नेचुरली ख़त्म हो चुका होता है, वैसे ही हमारा कोलेजन लेवल भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है, डाउन होना शुरू हो जाता है। तो एक कोलेजन ख़त्म होने की वजह से होता क्या है, हमारी लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, हमारे गड्ढे आना शुरू हो जाते हैं स्किन के अंदर, पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और रिंकल्स बहुत ज़्यादा नुमाया होना लग जाती हैं, ठीक है। तो ये वाली रेंज हम उनको दे रहे होते हैं आफ्टर 30, ठीक है। आवाज़ मुझे प्लीज़ ज़रा एक दफ़ा बता दीजिएगा कि आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है या नहीं, क्योंकि सबसे पहले जब मैं लाइव मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त आवाज़ किसी को नहीं आ रही थी। अच्छा, एक कोलेजन की जो आई क्रीम है, हमारे पास जो ये वाली एक कोलेजन की आई क्रीम है, इसके अंदर एक छोटा सा बॉल लगा हुआ आपको दिखेगा जो कि आपके आई एरिया को सर्कल जब आप कर रहे होते हैं उसको बहुत अच्छे से मसाज कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से अपनी आई क्रीम बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाती है आपकी स्किन के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रेंज मौजूद है नोवेज की ही अल्टीमेट लिफ्ट, और नाम सुनते ही अल्टीमेट लिफ्ट के बारे में नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि ये लिफ्टिंग देगा आपकी स्किन को, जो बहुत ज़्यादा स्किन लूज पड़ जाती है 40 क्रॉस होने के बाद, तो हम उस स्किन को ये वाली रेंज दे रहे होते हैं। उनकी स्किन के साथ लाजमी 40 उन्होंने क्रॉस कर लिया तो ब्लेमिशेस उनकी स्किन पे लाजमी होंगे, डार्क स्पॉट्स होंगे, अनइवन टोन हो सकती है, इन तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स के लिए हम ये नोवेज की तमाम प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं सबसे ज़्यादा मज़ेदार रेंज जो टीनेजर्स के लिए है, वो तो मैंने बताई ही नहीं, हमारे पास एसेंशियल की रेंज मौजूद है। और नॉर्मली लोग मेरी टीम में भी बहुत से ऐसे मिस्टेक कर रहे होते हैं जो कि एज ग्रुप पूछे बगैर प्रोडक्ट रेकमेंड कर देते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, लोग बोलते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो रिजल्ट्स कभी भी अच्छे नहीं आएंगे अगर आप अपनी स्किन और एज ग्रुप के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट सजेस्ट ना करवाएं, रिकमेंडेशंस ना लें। इसलिए ज़रूरी है कंसल्टेंसी और किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ लाजमी कनेक्ट रहा करें जब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें। तो ये वाली रेंज एसेंशियल की मैं हमेशा 10 to 18 तक के एजेस को रिकमेंड कर रही होती हूँ, इससे ज़्यादा ऊपर की एज को ना दें तो बेहतर है। और जिनके कलर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा होता है, जैसे कि हम स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, उनके कलर कॉम्प्लेक्शन टैन होने लग जाती है, स्किन सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है हमारे पास वेदर ऐसे हैं कि गर्मी जब होती है तो बहुत ज़्यादा सूरज का हमें सामना करना पड़ता है, तो आप ये वाली रेंज यूज़ करवा सकते हैं अपने बच्चों को। और ये हमारे पास मौजूद है, हमारे पास एसेंशियल की SPF 10 के साथ, जो कि आपको बहुत अच्छे से आपकी स्किन को धूप से प्रोटेक्शन दे देती है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे खवातीन खवातीन खवातीन, हमारे पास जेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी रेंजेस मौजूद हैं, उस पर भी हम आएंगे। और अभी हमारे पास बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट डायमंड सेलुलर जी, बहुत सारे लोग मुझे ग्रुप में भी पूछ रहे होते हैं कि ये हम कौन सी स्किन को दे सकते हैं और कौन सी एज ग्रुप को दे सकते हैं और इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो तो ही हम इसको रेकमेंड करें। तो ये
मैंने 35 के बाद लोगों को रेकमेंड करना शुरू की थी, और 35 के बाद अगर आप इसको देते हैं 35 एज ग्रुप के बाद, तो आप उनकी स्किन पे बहुत अच्छे से कलर कॉम्प्लेक्शन उनका ब्राइटनेस पे ले जा सकते हैं, और जिनके यहाँ पे ब्लेमिशेस आ जाते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। और इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि इसके अंदर डायमंड डस्ट मौजूद है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, रियल डायमंड डस्ट के साथ ये प्रोडक्ट मौजूद है हमारे पास, जो कि रियल मिनरल्स के साथ बनी हुई, नेचुरल मिनरल्स के साथ है, और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो देती है, प्रॉब्लम सारी की सारी सॉल्व कर देती है। और जो मेरे पास डायमंड के यूज़र्स हैं, उनको कभी भी मैं डायमंड के अलावा किसी प्रोडक्ट के बारे में कभी भी सजेशन देती हूँ, तो वो मुझे फ़ौरन बोल देते हैं नहीं 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 हमें डायमंड ही मंगवा कर देना है, क्योंकि डायमंड सेलुलर का रिज़ल्ट उनको इतना ज़्यादा अच्छा लग जाता है फर्स्ट उसमें ही। हमारे पास एक कंसल्टेंट थी जो 50 क्रॉस कर चुकी थी, और उन्होंने तकरीबन 2 साल जब इसको यूज़ किया, और 50 क्रॉस करने का मतलब हमें समझ में आ जाता है, पाकिस्तानी ख़वातीन की एज कुछ ज़्यादा ही जल्दी दिखना शुरू हो जाती है, और स्किन बहुत जल्दी ढल जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्किन केयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और स्किन केयर का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उस दौर में इस वक्त आ चुके हैं जिसमें वेदर एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, ख़राबी के सूरत हाल पर जा चुके हैं, तो ज़रूरी है कि हमें अपनी स्किन की बहुत अच्छे से रेगुलर रूटीन पर आना चाहिए। रेगुलर रूटीन क्या है? रेगुलर रूटीन है हमारी फेस वॉश, क्लिंजर हमारा, ठीक है, हमारा टोनर, हमारा हमारी आई क्रीम, हमारा सीरम, हमारी डे क्रीम, हमारी नाइट क्रीम। ये चीज़ों के साथ जब हम डेली अपनी स्किन को क्योर कर रहे होते हैं, तो यकीन जानिए आपको किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, किसी भी किस्म की स्किन पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपको, और आपकी स्किन हमेशा यंग ही रहेगी। लोग बोलते हैं जैसे जैसे एज आगे जाती है हमारी स्किन बूढ़ी हो जाती है, ऐसा नहीं है। जब तक हमारी बॉडी हमारी स्किन को सपोर्ट कर रही होती है, हमारी खुराक या हमारी ग़िज़ा हमारी स्किन को सपोर्ट कर रही होती है, तो उसी तरह से एक टाइम आता है, एक एज आती है, जिसके बाद हमारी ये तमाम चीज़ें, खाना पीना इतना ज़्यादा हमें डिपेंड नहीं कर रहा होता, हमारा लगाना हमने लगाया गया अपनी स्किन के ऊपर ये बहुत डिपेंड कर रहा होता है। तो अपनी स्किन को बहुत अच्छे प्रोडक्ट के साथ क्योर किया करें, डेली के हिसाब से रूटीन अपनी एज ग्रुप के लिहाज से लाजमी, अपने किसी अच्छे कंसल्टेंट से कनेक्टेड रहा करें, ताकि वो आपको अच्छे से बता सके कि आपको उसने एग्जैक्टली आपको इस वक्त आपकी एज के हिसाब से यूज़ क्या करना है। ठीक है जी, हमारे पास मौजूद है मेंस रेंज स्किन केयर के हवाले से, नॉर्थ फॉर मैन, इधर आ जाइए। अगर हम स्किन की ही बात करेंगे अभी, तो ये वाला फेस वॉश हमारे पास मौजूद है, एक्सफोलिएटिंग स्क्रब इसके अंदर है, और इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है। ये सोप फ्री है और स्किन को फ्लॉलेस देता है, और क्योंकि जेंट्स की स्किन के लिए बना है, तो ऑब्वियसली वो बाहर जाते हैं डेली के हिसाब से, और उनको एटमॉस्फेयर फेस करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा हमारा पोल्यूशन जो सबसे बड़ा मसला है हमारे पास पाकिस्तान में, उसको फेस करना पड़ता है, हमारे पास धुआं और धूल मट्टी बहुत ज़्यादा है बाहर निकलने वाले लोगों के लिए, तो जेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि अपनी स्किन की केयर करें। और हमारे पास एक और प्रोडक्ट मौजूद है नोवेज मैंस के नाम से, जो कि लास्ट कैटलॉग में हमारे इंट्रोड्यूस हुई थी, ये वाली बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके, ये भी एंटी एजिंग सेट है हमारे जेंट्स के लिए, ठीक है। ये हम कब देते हैं? जब आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए। नॉट फॉर मैन रेंज इज वेरी गुड एंड यूजफुल, यस वेरी, ये इतनी ज़्यादा अच्छी रेंज थी हमारी, और बीच में कभी इसका सोप आउट ऑफ स्टॉक होता था तो हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम आते थे, और लोग बोलते थे कि अब हम क्या यूज़ करें, तो अब दो दो रेंज हमारे पास आ गई हैं, और नोवेज मैंस के नाम से भी आ गई है हमारे पास, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके।
अच्छा जी, जैसे कि अभी मैं बता रही थी नोवेज के बारे में, ऑप्टिमल्स के बारे में और लव नेचर के बारे में, कि रिंकल्स को और फर्मनेस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है स्किन को, तो ऐसे ही हमारे मेंस की भी रेंज है जिसके अंदर ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर तमाम के तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। यानी कि आपके यहाँ पे मेंस जेंट्स के अगर मैं बताऊँ तो ये वाले एरिया में सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, और रिंकल्स के साथ साथ उनकी स्किन डलनेस पे आ जाती है। और अगर बाइक चलाने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा, तो वह हेलमेट पहन रहे होते हैं, हेलमेट में एक सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया आपका दिख रहा होता है, और इसी एरिया पे डार्क पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। तो उन डार्क पैचेस से बचने के लिए आप ये वाली रेंज यूज़ कर सकते हैं। हम इसके अंदर मौजूद है इसका क्लेंजर, स्टेप वन हमारा है क्लेंजर, उसके बाद है हमारे पास ये वाली आई क्रीम स्टेप टू, ठीक है, और फिर स्टेप थ्री है हमारा बूस्टिंग, बूस्टिंग सीरम है हमारे पास इसका, और फिर उसके बाद स्टेप फोर है मॉइस्चराइजिंग लोशन। ठीक है, ब्लैक चारकोल के साथ ही हमारा नोवेज मेंस का जो सेट है ये इंट्रोड्यूस हुआ है, और जब इसका फेस वॉश आप हाथ में निकालेंगे तो आपको उसका कलर फील होगा ब्लैक, और लोग बड़े हैरान होते हैं कि यार ये मुंह पे लगा लें, वाकई आराम आएगा, इससे फेस वाइट भी होगा कि नहीं होगा। तो एक जो है क्या कहते हैं, मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे बोला भी था कि ये तो पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कोई मैं काला की ना मल लूँ अपने फेस पे और मेरा मुंह काला ही ना हो जाए। तो जब इन्होंने यूज़ किया था, और फिर आफ्टर 15 डेज उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे ये मज़ीद मंगा कर दे दीजिए, ऐसा ना हो कि आपकी प्रोडक्ट बड़ी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, तो आप मुझे ये एक और मंगवा दीजिए, क्योंकि उसके रिजल्ट उनको इतने अच्छे मिल चुके थे, उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए भी मुझे उससे मंगवाया था। तो आप बेधड़क इसको दे सकते हैं, मेंस को भी और वुमेंस को भी। मुझे जब ये मैं रेंज दिखा रही थी, मुझे हंसी आ रही थी, और हंसी इसलिए आ रही थी कि मेरी स्किन के बारे में, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन स्किन है, मतलब कभी ड्राई कभी ऑयली और कभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो मैंने जब बहुत ज़्यादा एक्नी बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरे फेस पे, तो और मेरे पास फेस वॉश ख़त्म हो गया था, तो मैंने यही वाला फेस वॉश यूज़ किया था, और यकीन जानिए कि मैं आज तक 2 महीने हो गए यही यूज़ कर रही हूँ, और इससे मैं हटती नहीं, क्योंकि इसने मेरी एक्नी को बहुत अच्छे से क्योर किया। सुनने वालों को भी हंसी आएगी कि मेंस रेंज से मैंने अपने फेस को क्योर किया, पर क्योंकि मेरा भी डेली का बाहर जाना है, और तकरीबन धूल मट्टी से मैं भी डेली को डेली ही फेस कर रही होती हूँ। ओके जी, यहाँ पे हमारी स्किन केयर की जितनी भी रेंज है वो तो कवर कर ली है मैंने। एक बहुत अच्छी चीज़ जो कि इस वक्त मुझे कैटलॉग में नहीं मिल रही, मैं बार बार पलट कर देख रही थी, वो है हमारा सनजोन SPF 30 के साथ, और UVA रेस और UVB रेस, ये दोनों के लिए बहुत बेहतरीन है। UVA रेस क्या होती हैं, जो आपके जब आप बाहर जाते हैं और सूरज का आपका सामना होता है और डायरेक्ट सूरज की जो है लाइट आपके फेस पे आती है, UVA रेज होती हैं वो। पर UVB रेज कौन सी होती हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं जब आपके दुनिया में सुबह हो जाती है, तो उस वक्त एक सूरज की जो किरणें आपको रोशनी दे रही होती हैं, आपके चेहरे पे टच नहीं हो रही होती हैं पर वो आपको रोशनी दे रही होती हैं, और आपके घर के अंदर मौजूद है वो रेज, तो वो UVB रेज होती हैं। मोस्टली खवातीन बोल रही होती हैं कि हम तो कहीं बाहर नहीं जाते, हमें तो ज़रूरत भी नहीं है, और हमें तो ज़रूरत नहीं है किसी भी स्किन केयर की। तो मैं उनको बताती हूँ यही बात कि नहीं, बिल्कुल स्किन केयर की हर एक को ज़रूरत होती है, चाहे वो घर में रहती है, चाहे वो बाहर जाती है, चाहे वो पार्लर में होती है या वो कॉलेज जा रही है, और सिर्फ 1 घंटे के लिए भी बाहर जाते हैं लोग, और जो चूल्हे के आगे भी जा रहे हैं उनको भी अपनी स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप SPF 30 के साथ ये सनजोन लगा सकते हैं, उनको रेकमेंड कर सकते हैं जो बाहर जाने वाले लोग हैं, या सूरज के आगे या जो उनके चूल्हे के आगे जिनका बहुत ज़्यादा
रहन सहन और गुजर बसर जिसको बोलते हैं ना, कि सिर्फ और सिर्फ हमारा सोना जागना उठना बैठना ही किचन के अंदर होता है। कुछ खवातीन हमारे खानदान में भी मौजूद हैं ऐसी जो किचन में ही रहती हैं बस सारा दिन, तो उनके लिए है कि वो लाजमी यूज करें। और मेरी खाला ने भी मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खाला। ये डायरेक्ट सेल बिजनेस है ओरिफ्लेम, और ओरिफ्लेम सऊदी अरब में मौजूद है, और आप किसी कंसल्टेंट के साथ ज्वाइन होकर इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, हम अब सोप पे आ जाते हैं। ये हमारा एसेंशियल सोप है जो कि यहाँ पे इसके फ्रूट्स बने हुए हैं। कौन से फ्रूट्स के साथ मौजूद है हमारे पास? पोमेलो एक्सट्रैक्ट्स के साथ आया था ये हमारा सोप, और इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है और आता है और फौरन आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, इतनी जल्दी जल्दी इसकी सेल होती है। एक हमारे पास सिल्क सोप है, और ये भी वाइटनिंग के लिए यूज करते हैं लोग, बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी, और हमारे पास मौजूद है फेशियल किट्स। अब आ जाते हैं हम फेशियल किट्स के ऊपर। ठीक है, जजाकल्ला खाला। अच्छा, फेशियल किट्स के ऊपर आ जाते हैं हम, और फेशियल किट्स में रखना यहाँ पे भूल गई। चले, मैं आपको अब इसकी पिक्चर के थ्रू बता देती हूँ फेशियल किट्स का, कि हमारे पास मौजूद है पपाया एग्जेक्ट्स के साथ हमारी फ्रूट फेशियल किट है एक, और एक हमारे पास मौजूद है टी ट्री की फेशियल किट। पपाया वाली जो हमारी किट है, यानी कि ट्रॉपिकल फ्रूट फेशियल किट जो है हमारी, वो देते हैं हम ड्राई स्किन को। फेस वॉश कौन सा दिखाऊं? अभी तक मैंने कोई फेस वॉश नहीं दिखाया। हाँ, मैं ये वाला फेस वॉश दिखा चुकी हूँ। ये है लव नेचर का क्लिंजिंग जेल। ठीक है, और मैंने बात की थी कुकम्बर रेंज की, एक्नी वाला। ओके, एक्नी के लिए हमारे पास ये वाला फेस वॉश मौजूद है, 2-in-1 फेस वॉश एंड स्क्रब। एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है इसके अंदर, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से डीपली क्लिंस करता है, और डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ है, और आपकी स्किन के अंदर टिश्यूज के अंदर जो सीबम है उसको पूरे तरीके से इसको खत्म कर देता है रिडॉक्ट टेक्नोलॉजी की वजह से। इसमें सैलिसिलिक एसिड है और पोमीग्रेनेट के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्योर कर लेते हैं एक्नी को। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास SOS स्पॉट जेल है, और SOS जेल के बारे में बता चुकी हूँ कि विद इन 3 डेज ये एक्नी को ड्राई कर देता है। मिल जाए मुझे। ओके जी, स्किन केयर के हवाले से जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन हैं, इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो पूछ सकते हैं कुछ भी अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। ओके जी, ये है हमारा SOS जेल, तकरीबन 6 ml की बहुत छोटी सी ट्यूब है, और ये आपकी स्किन के ऊपर जो एक्नी आई हुई होती है, बल्ब नुमा एक चीज जो बहुत बुरी दिख रही होती है, उसको ड्राई कर देता है। पर एक्नी के लिए मैं हमेशा लोगों से पूछ रही होती हूँ कि आप फास्ट फूड तो नहीं खाते, और चीज़ कितना खाते हैं, चॉकलेट तो नहीं खाते, बीफ तो नहीं खाते, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो नुकसानदेह होती है हमारी लाल वाली दाल, उसको शायद मसूर की दाल बोलते हैं, तो दालों के मामले में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं पीली और लाल दाल बोलती हूँ। तो लाल दाल समझ लें कि लाल दाल एक्नी वाली स्किन, जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी हो उनको नहीं खिलानी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा बादी पैदा करती है, और बादी पैदा करने वाली तमाम सब्जियों से भी दूर रहें, जैसे बैंगन और
13 ईयर्स की गर्ल के लिए यूज कर सकते हैं ये, बिल्कुल प्योर स्किन की जो रेंज है हम दे सकते हैं, 12 से 11, 12, 13, 14, 15 और उसके ऊपर आप दे सकते हैं, उसमें इशू नहीं है, आप दे सकते हैं बिल्कुल इसको। और प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें, अपनी इस एज की गर्ल्स को फास्ट फूड से बहुत ज़्यादा बचाएं, और फास्ट फूड हमारी स्किन मैदे को तो करते ही करते हैं तबाह, हमारी स्किन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं फास्ट फूड। तो मेरे अपने ही घर में पिज़्ज़ा खाने के वाले बड़े लवर बैठे हैं और पिज़्ज़ा खा खा के अपनी नाक ख़राब कर चुके हैं, और उनको डेली के हिसाब से पिज़्ज़ा चाहिए होते हैं, बाहर के खाने चाहिए होते हैं, उनको रोल चाहिए होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको एक्नी की दावत देती हैं और स्किन को ख़राब करती हैं। तो बेहतर है कि सब्जियां खाएं और दालें खाएं और फ्रूट्स सबसे ज़्यादा खाएं, इससे आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी। जूसेस, फ्रेश जूसेस पीने चाहिए और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एक इंसान को कम से कम 12 ग्लास पानी पीने चाहिए, तो अगर किसी को एक्नी है तो वो एटलीस्ट 12 ग्लास लाजमी डेली की रूटीन में रखे पानी। एंजल माया खड्डों के लिए SOS जेल नहीं है। SOS जेल हम यूज़ करते हैं एक्नी स्पॉटेड एरिया पर। अगर आपके एक यहाँ पर एक्नी मौजूद है तो आप उसके ऊपर जस्ट एक जेल का ड्रॉप लगाएंगे और उसको छोड़ देंगे। अगर आपको खड्डे भरने, स्कार्स भरने, तो उसके लिए आप एक कॉलेजन का सीरम ले सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक कॉलेजन का सीरम, वो बहुत बेहतरीन है आपके स्कार्स को फिल करने के लिए। स्कार फिलर के नाम से ही मैं उसको हमेशा बोल रही होती हूँ। जी बिल्कुल, मेरे पेज पर प्योर स्किन की रेंज मौजूद है, और अगर आपको यहाँ पर ना मिले तो मैं आपको प्राइवेट में भेज दूंगी, आप इनबॉक्स करके मुझे बस याद दिला दीजिएगा, ठीक है? ओके जी, एंजल माया ये आपके लिए है एक कॉलेजिन का सीरम। ये वाला सीरम हम लोग यूज़ करवाते हैं उस एक्नी के बाद जो खड्डे पड़ जाते हैं उसके लिए, उसको रिफिल करता है वापस से, पर लिटिल बिट टाइम लेता है, लिटिल बिट तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, पर आपको फील होना शुरू हो जाएगा विद इन 6 मंथ के आपके खड्डे फिलर होना शुरू हो चुके हैं। अगर आप 6 महीने तक कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे तब मजीद उसने बढ़ना ही है, ख़राबी होना है स्किन को, तो बेहतर है कि आप 6 मंथ तक उसको यूज़ करें अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ, और आपके वो खड्डे पड्डे सब गायब हो जाएंगे, ठीक है? और इसके अलावा मैं कुछ भूली तो नहीं, हाँ लिप्स की केयर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगी आप लोगों को कि सर्दियां हैं और ड्राइनेस से हमारे सबसे पहले लिप्स ख़राब हो रहे हैं। तो हमारे पास ये इस वक्त मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट के साथ, अगर आप 1 बाय करते हैं तो 15% ऑफ है, और अगर आप 2 बाय करते हैं तो 30% ऑफ है, ठीक है? और अगर आप मेंबर हैं तो, और आपने 2 बाय कर लिए हैं तो आपको 50% ऑफ हो जाता है, ठीक है? अच्छा, हमारे पास ये 3 फ्लेवर्स में मौजूद है। सबसे पहले मेलन यानी कि खरबूजे की फ्रेगनेंस के साथ, एक्जेक्ट्स के साथ ये मौजूद है लिप बाम। ये कोकोनट फ्लेवर है और ये कोकोनट के एक्जेक्ट्स के साथ मौजूद है, और ये मैंगो है और इसके अंदर इसका स्विच भी मौजूद है, आप इसको स्विच करके इसकी फ्रेगनेंस ले सकते हैं। अगर किसी के पास, मोस्टली मेरे पास मेंबर्स ही ऑनलाइन है, तो इसको स्विच करेंगे, इसकी फ्रेगनेंस ले सकते हैं और इसके ऑर्डर्स ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग। और ये इसका लास्ट मंथ है इस कैटलॉग का, तो ये लाजमी इसको ना भूलें इस डील को आप लोग, और इसको लाजमी लोगों के पास यूज़ करवाएं, अपने पास भी लाजमी इसका स्टॉक रखें, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन है। लिप बाम आपके लिप्स को हाइड्रेट करती है, न्यूट्रिशन देती है, बहुत अच्छे से आपके लिप्स को इतना मॉइस्ट कर देती है कि आपने अगर रात में लगाई है तो आपको पूरा दिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, एक्टिव एक्नी है अगर एंजल माया, तो उसको पहले आप क्योर कर लें,
प्योर स्किन के साथ, और एज ग्रुप क्या है उनके आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्किन और ऐसी एज ग्रुप के साथ आप क्या प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। और वो अगर जेंट्स हैं तब भी बता दीजिएगा, लेडीज़ हैं तब भी बता दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर एक्टिव एक्नी है तो हमें उसको डीएक्टिव करना होता है। सबसे पहला काम आपका यही है कि आप उसको बहुत जल्द से जल्द उस एक्नी को ड्राइनेस पे लेकर जाएं और उसको पूरा का पूरा ख़त्म करें। जब वो ड्राई होके ख़त्म हो जाएगी एक्नी और अपने हल्के फुल्के निशानात छोड़ जाएगी और छोड़ आपको फील हो जाएगा अभी एक्टिव नहीं है, तो अब आप उसके बाद आप उसको सीरम देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा वो। और अगर आप स्किन रूटीन के साथ सीरम यूज़ करते हैं तो तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, पर एटलीस्ट ड्राइनेस पे ले आएँ एक्टिव एक्नी को तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आपके जो भी मेंबर होगा या क्लाइंट होगा वो फंस जाएगा, बोलेगा कि जाएगा वो सही होने की उस पर काफ़ी टाइम लेकर जाएगा, ठीक है। जिनको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन का इशू हो रहा होता है और नॉर्मली रेगुलर ऑयल उनके फेस पे एवं ही आता है बस, तो उनके लिए ये वाला हमारा डे फ्लूड है, ठीक है। तो ये डे फ्लूड आप सिर्फ दिन में एक दफ़ा सुबह लगा लिया और रात को सोते वक्त लगा लिया तो आपका ऑयल बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हो जाता है। और ऑयली स्किन वैसे तो बड़ी गॉड गिफ्टेड होती है, वो बड़ी देर में जाके बूढ़ी होती है, पर ऑयली स्किन वाले डलनेस को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं और स्किन के कॉम्प्लेक्शन को डार्क होते हुए बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं। और जबकि स्किन उनका फेस होता नहीं है डार्क, पर क्योंकि उनकी स्किन पे ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है और जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे रूम के अंदर, तो वो तमाम के तमाम पार्टिकल्स हमारी स्किन पे चिपक जाते हैं और फिर हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क दिख रहा होता है। फिर जब हम फेस वॉश करते हैं तो थोड़े एक दो घंटे के लिए हमारा फेस फिर से वाइट हो जाता है, तो फिर दोबारा फेस वॉश करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि आप एक ऐसा फ्लूड ले लीजिए जिससे आपकी स्किन पे ऑयल ही ना आए, ऑयल ही कंट्रोल हो जाए, बिल्कुल मैट बैलेंसिंग आपको फील होगा आपका, ठीक है। ओके जी, स्किन के हवाले से मैंने ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो मैंने बता दी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अवर टेंडर केयर, जो कि हमारी इस वक्त के वेदर के लिए बहुत बेहतरीन है। टेंडर केयर बाम ओरिफ्लेम की सबसे पहली प्रोडक्ट है ये, इसको हम छोटी सी जादू की डिबिया बोलते हैं। ये आपके क्यूटिकल्स जो बहुत ज़्यादा ड्राई होके फट रहे होते हैं, यहाँ से किसी किसी की ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, ये उसके लिए बहुत बेहतरीन है। आपकी आई एरिया जो यहाँ पे ड्राइनेस दे रहा होता है, ये वाला एरिया आईब्रोज पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही होती है, ये उनको बहुत अच्छे से क्योर कर रहा होता है। और उसके अलावा आपके जो ये एरिया हैं, ठीक है, आपके नकल्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही होती है इस वेदर में, तो आप इसको यूज़ कर रात में लगा कर सो जाएं तो आपको सुबह में उठ के बिल्कुल भी ड्राइनेस आपको पूरा दिन तो फील नहीं होने वाली है। अगर आप डेली इसको यूज़ करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। मेरे पास इसके यूज़र इतने सारे हैं और इतने सारे इसके बेनिफिट्स लोगों ने बताए हुए हैं, कंपनी तो क्लेम करती है कि ड्राइनेस को कवर कर रही है, और हम लोगों ने इसके, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं हम कभी पीछे नहीं हटते और हम ट्राई पे ट्राई करते रहते हैं डिफरेंट चीज़ों से और डिफरेंट तरीकों से इसको यूज़ करने का और मज़ीद क्या क्या इसके ऊपर हम कर सकते हैं काम, तो जले हुए के निशानात बहुत अच्छे से ये लगा ख़त्म कर देता है। और अगर जैसे बच्चे गिर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो अगर आप ये लगा देते हैं तो वो आपको पॉलीफेक्स और एक्स वाई जेड टाइप की चीज़ें आपको लगानी नहीं पड़ती, ये बहुत अच्छे से ज़ख्मों को भर देती है। और जले हुए निशानात और जली हुई जगह पर अगर आप इसको लगा देंगे तो ये बिल्कुल भी निशान नहीं देती। जलने के फौरन बाद अगर आपने ये लगा दिया और डेली लगाते रहे दिन में 3-4 मरतबा, तो आपके जले हुए के निशान जो जगह पर निशान आ जाते हैं जलने के बाद, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और जिनको एक्जिमा है ओवर ड्राइनेस की वजह से, आप उनको दे सकते हैं ये और वो यूज़ करें और बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा उनको। उनका एक्जिमा, जिनको ब्लीड भी कर रहा होता है, हल्की हल्की ब्लीडिंग भी हो रही होती है जिसकी, उसको भी अगर आप ये यूज़ करवाते हैं
तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं इसके। और मेरी एक कंसल्टेंट है, इनफैक्ट मैनेजर है, उनकी बेटी को उसके हाथ पे ये आगे वाले एरियाज पे जो है एक्जिमा हो जाता है, ये वाले एरिया पे एक्जिमा आ जाता है वेदर चेंज होने पे। तो उसने उसको यूज़ करवाया और यकीन जानिए 15 दिन में उसका एक्जिमा बिल्कुल क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ओरिफ्लेम की जितनी प्रोडक्ट हैं वो जितना क्लेम करती हैं उससे ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देती हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले लाइव आते ही सबसे पहले ये बात बोली थी कि 100% रिजल्ट्स के साथ लेकर आई हूँ ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पहले समझिए प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को समझिए, उसके बाद यूज़ कीजिए। पहले खुद यूज़ कीजिए, बाद में लोगों को रेफ़र कीजिए, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है कि आपने जब कोई चीज़ खुद यूज़ किया वो लोगों को बताते हैं तो ज़्यादा लोग अच्छे तरीके से वो प्रोडक्ट बाय कर पाते हैं। आज का सेशन यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में मैं एक फेशियल लेकर आऊँगी और आप लोगों को फेशियल करना सिखाऊंगी, और आप घर में एक दूसरे का फेशियल कैसे कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ, विदाउट ब्लीच हम कैसे फेशियल का रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में। और उस सेशन की अनाउंसमेंट मैं इंशाल्लाह ताला पेज पे ही कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। तो हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।